औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ से स्वारघाट रोड पर महादेव खंड के समीप निर्मित शिवशंकर गौशाला में लगभग दर्जनों गौवंश की जहरीला घास खाने के बाद मौत हो गई और सैकड़ों मरने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि किसी ने घास में जहरीला पदार्थ मिला दिया था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि जिस भी व्यक्ति द्वारा जहरीला पदार्थ घास में मिलाया गया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जहरीला पदार्थ खाने से दर्जनों गौवंश काल के ग्रास में चले गए और सैकड़ों मरने की कगार पर है। जानकारी के मुताबिक साथ लगते गांव के कुछ लोगों के मवेशी भी जहरीला घास खाने से मर चुके हैं। गौशाला के प्रधान दौलतराम का कहना है कि उनकी गौशाला में 700 के लगभग गौवंश है, जिनमें से करीब 100 गौवंश गौशाला से बाहर चरने के लिए ले जाई जाती है। किसी शरारती तत्व द्वारा घास में जहरीला पदार्थ छिड़का गया था। जैसे ही मवेशियों ने ये घास खाया, उसी समय मवेशियों की तबीयत खराब होने लगी और दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गाय रास्ते में आते वक्त और दो गायों की गौशाला में उपचार के दौरान मौत हो गई। गौशाला प्रबंधकों द्वारा तुरंत सरकारी अस्पताल से डॉक्टरों को बुलाया गया और मवेशियों का इलाज शुरू किया गया। तो कल भी यहाँ हमारे सहयोगी आए थे, तो उन्होंने कॉल की थी प्रधान जी ने, श्री पोलीराम जी ने, तो उन्होंने कुछ बताया था कि गाँव को सडनली कुछ बहुत सारी गायें जो बीमार हो गई है एकदम से, तो फिर यहाँ आके देखा आज, तो इनमें लग रहा है भाई जैसे फूड पॉइजनिंग हुई है इनको, कोई जहरीली चीज़ है जो इनके खाने के थ्रू इनके अंदर चली गई है, तो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम। तो 5 गाय तो जो मौके पर ही डेड हो गई थी, तो कल इलाज कम से कम 100 गाय का इलाज इकट्ठा हो रहा है, 100-110 गाय का, जिसमें से दो रात डेड हो गए, दो बाकी गायों की स्थिति अब नॉर्मल है, स्टेबल है। मेरे 4 डंगर बीमार हो गए, 2 डंगर मर गए, तो गौशाला दे गाय मर गए थे, काफी इनका सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना, बंदा बजने ने ऐसा काम करे। गौशाला के प्रधान दौलतराम ने बताया कि आसपास के गांव के भी कई मवेशी जहरीला घास खाने से मर गए हैं। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग की कि जिस भी व्यक्ति द्वारा ये जहरीला पदार्थ घास में मिलाया गया है उसकी जांच होनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे पास 700 के करीब गाय है, जिनमें से 110-115 गाय जो है वो बाहर चुगने जाती है, उनके लिए 2 एम्प्लाई है साढ़े लेके जाते, ये चुगने गई हैं उधर, किसी लोगों ने या किसी ने कुछ जहरीली ऐसी चीज़ रख दी थी जो गाय ने खाई, 2 तो एट दी स्पॉट वहीं पूरी हो लिया। तो जब हमारे को पता लगा, हमने डॉक्टर सरकारी रेडू से बुलाई जी, तो सभी को इंजेक्शन वगैरह लगाए, 2 वहाँ, 3 रास्ते में हो गए, तो 2 हमारे यहाँ गौशाला में आके, यानी कि 7 गायें हमारी जो है पॉइजन खाने से डेड हो गया। मैं लोगों के आगे यही बेनती करूँगा कि ऐसा काम ना करें, एक कुछ भी हो सकता है। ये भी पता चल रहा है कि गाँव की अभी 1-2 भैंसें वहाँ जो है मरी है, तो हमारे 6-7 भैंसें हैं, हमारे यहाँ 7 गऊ जो है बेचारी वो अभी, और कितने बीमार है गौवंश? हमारे पास 100 में से कोई 60-70 बीमार थे, लेकिन डॉक्टरों ने आके उनको संभाल लिया और कल से इलाज चल रहा है। कल भी 2-3 डॉक्टर आए थे, आज भी डॉक्टर ओंकार जो है यहीं पर ही बैठे हैं और उनको देख रहे हैं, किसी के पानी सिर में डाल रहे हैं, किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ, यानी कि बाकी जो है सब नॉर्मल, अब ठीक हो गया। सिटी चैनल के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट।